उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हत्यारों ने जिस बेरहमी से कन्हैया लाल की हत्या की वो कोई आम आपराधिक घटना नहीं बल्कि आतंकी घटना थी, जिसकी सारी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों हत्यारे नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में थे। दोनों की पाकिस्तान के 8 से 10 मोबाइल नंबरों पर लगातार बात हो रही थी। दहशत फैलाने के लिए हत्यारों को पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे। कन्हैयालाल के बाद दोनों हत्यारे उदयपुर के ही एक और व्यापारी की हत्या करने वाले थे। इसके अलावा कन्हैयालाल के हत्यारों के तार आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आतंकवादी रियाज और गोस मोहम्मद ISIS से जुड़े थे। रियाज अत्तारी उदयपुर में ISIS के रिमोट स्लीपर संगठन अल सुफा का मुखिया है। रियाज मोबाइल इंटरनेट कॉलिंग और सोशल मीडिया के जरिए ISIS के सीधे संपर्क में था। रियाज पिछले 5 सालों से उदयपुर में मोहम्मद गोस के साथ मिलकर नफरत का अभियान चला रहा था। दोनों आतंकवादियों ने उदयपुर के आसपास युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए थे। अब तक की जांच से राजस्थान तक के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक कन्हैया लाल के दोनों हत्यारों ने पाकिस्तान में जाकर टेरर ट्रेनिंग का कोर्स भी किया था। आरोपी गौस 2014 में जोधपुर के रास्ते कराची गया था, तब उसने 30 लोगों के साथ दावत इस्लामी में 15 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद वापस लौटकर गोस रियाज के साथ मिलकर युवाओं को ब्रेन वॉश करता था। दोनों आरोपी कानपुर, दिल्ली, मुंबई में भी दावत इस्लामी की बैठकों में हिस्सा लेने अक्सर जाया करते थे। दोनों आरोपी अरब देशों और नेपाल की यात्रा भी कर चुके हैं।